हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हम दुबेर, आप देख रहे हैं फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ टाइप की नियॉन वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग। अगर आप लोग को भी ऐसी एडिटिंग करना है अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो कोई फेक वीडियो नहीं है, तो वीडियो पूरा देखना। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बिल्कुल दबाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसी वीडियो आप लोग लाता रहूँगा मैं, और पहले भी कुछ वीडियोस ला चुका हूँ, अगर आप लोग को देखना तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यार चलते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना यार भाई को। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में से ओपन कर लेना है, और टूल्स में आके आप लोग को यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करके इसे रिसाइज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पहले से रिसाइज करके रख लिया मैंने। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड फोटो में चले आना है। ऐड फोटो में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग को मॉडल की पीएनजी यहाँ पे ले लेना है, जो कि हमारी जो कार्टून वाली फोटो है ना विक्टर आर्ट वाली, उसे आप लोग को ले आना। अगर आप लोग को ऐसा विक्टर आर्ट बनाती नहीं बनता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक तो वीडियो दे दूंगा, उसमें मतलब मैंने बताया हूँ कि कैसे आप लोग वन क्लिक में कैसे विक्टर आर्ट बना सकते हो, ओनली वन क्लिक में, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि आप लोग को विक्टर आर्ट बनाते बनता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग देखने के बाद विक्टर आर्ट बना लोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग बैकग्राउंड एरेज कर लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं पता कि कैसे बैकग्राउंड एरेज करते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। वैसे नॉर्मल सी बात है, आपसे बन जाता होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना, आप लोग को कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे कर लिया इसे ऐड, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे एडजस्ट करने के बाद में आप लोग को ऐसे बैकग्राउंड में ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है डन, मतलब डन नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग को एक इफेक्ट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ एफएक्स में, और एफएक्स में जाने के बाद यहाँ पे कलर से जो है कलर्स, ठीक है ना, कलर्स में आप लोग क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को जो कलर्स में चले आना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसका ह्यू जो है उसे चेंज कर लेना है यहाँ पे। तो मैं इसका अमाउंट बता देता हूँ कैसा रखना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रख लेना 292 रख लेना, ठीक है ना। तो इतना रख लीजिएगा, और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद में एक पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो हमारी मास्क की पीएनजी है उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना। इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टॉक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके बाद में आप लोग कुछ स्टेप्स हैं ऐसे कर लेना है ऐड, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड करने के बाद यहाँ पे इरेज भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अच्छे से ऐड कर लेंगे इसे, और इसके बाद इसे आप लोग स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद इरेज कर सकते हो आप लोग, यहाँ इरेजर में जाके इसका साइज ठीक ठाक कर लीजिएगा, वैसे यहाँ पे इतना ही ठीक है। और यहाँ पे रेस कर लेना आप लोग को, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद में यहाँ पे आप लोग रेस कर लीजिएगा, पहले तो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में एक मिनट की थोड़ा सा नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसके बाद आप लोगों का लेना डन, और इसके बाद में हमारा काम हो चुका है। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है बताता हूँ, यहाँ पे डन कर लेते हैं। डन करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे हो चुका है हमारा काम। एक मिनट की थोड़ा सा टाइम लगा रहा है पिक्सआर्ट। तो इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद एक पीएनजी मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ऐसे आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने कर लिया, और इसे इरेज कर लेते हैं नीचे के साइड से। तो रुकिए एक मिनट, तो यहाँ पे रेस कर लेना है आप लोग को, इसके बाद कर लेना है डन। डन करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे ऊपर के साइड में लगा लेना है इसे, और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे नीचे के साइड से थोड़ा सा रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया था रेस, ठीक है ना, रेस नहीं हो पाया था। तो हो चुका है यहाँ पे पीएनजी जो है हमारी लग चुकी है, बहुत बढ़िया लग रही है। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे चले आना है अपने ड्रॉ टूल्स में, ठीक है। ड्रॉ टूल्स में हमारा जो मेन काम है वो है, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को चले आना है अपने कलर्स में, और कलर्स में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे ये जो है इस आइकन में क्लिक कर लेना, कलर फिल कर लेना, जो कि हमारा मास्क का है। तो मास्क का कलर जो है हमारा फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसका साइज कुछ इस टाइप से रख लेना है, और इसके बाद आप लोग को क्या करना है रुकिए, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना अपनी आईज़ में, जैसे कि यहाँ पे मैंने साइज़ रखा हूँ, इतना साइज़ आप लोग को रख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर लेना है इसे ड्रॉ, और ड्रॉ करने के बाद आराम से ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो अच्छे से मतलब बन नहीं पाएगी ना फोटो, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे करा, और ड्रॉ अच्छे से कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, परफेक्ट। और परफेक्ट आप लोगों को करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बताता हूँ भाई, वीडियो अच्छे से देखिएगा जब भी आप लोगों को बन पाएगा। इसके बाद जो है ना ब्रश का जो साइज़ है ना, मैं कुछ स्टेप्स ऐसे रख रहा हूँ जैसे कि आप लोग को रखना होगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग कैसा मैंने साइज़ रखा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे ऐड फोटो में चले आते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे कर लेना है, ओवरले नहीं करना, ऐड करना है। मैंने गलती से यहाँ पे कर लिया था ओवरले, आप लोग को इसे ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे ग्लो कर रहा है, ऐसे लग रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसा करने के बाद में क्या करना है, एक शेप भी ले सकते हो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक लगेगा। तो इसे लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को कर लेना है, सॉरी यहाँ पे
ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे शेप मैं ले लिया, ओके कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं करता हूँ। तो ये सॉरी ये वाली जो लेयर है ना, इसमें आप लोग को नहीं करना है ऐसे, इसको नीचे वाली लेयर जो है उसमें करना है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, कर लेते हैं ऐसे ऐड। तो ये अच्छे से नहीं बन पाया, रुकिए तो एक बार और बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को और भी मतलब शेप यूज़ करना है तो वो कर सकते हो आप लोग ऐसे, मतलब कोई और सा ले सकते हो इसमें शेप, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे मतलब जो ऊपर वाली लेयर है उसमें मैंने करा, जैसे कि यहाँ आइज़ में मैंने ड्रॉ करा था वैसे कर लिया। तो फ्रेंड्स यही तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बिल्कुल दोबारा बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।